नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। अनुवाद पर बात कर रहे थे हम। अनुवाद जो सामान्य हिंदी की फोर्थ इकाई है, फोर्थ यूनिट है। सामान्य हिंदी बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी होम साइंस प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष सभी वर्ग और सभी संकाय के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य हिंदी में एक इकाई है अनुवाद से संबंधित। अनुवाद पर बात कर रहे थे, इससे पहले हमने थोड़ी सी उसकी आवश्यकता के बारे में बात की, उसी को जारी रखते हुए आज हम फिर से अनुवाद पर बात करेंगे। हमने बात की थी कि अनुवाद संप्रेषण का माध्यम है, अनुवाद एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का वाहक है, विश्व बंधुत्व का जरिया है और विश्व संस्कृति को एक करता है, संस्कृतियों को जोड़ता है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है, सीमित दायरे से बाहर निकलकर एक बृहद और व्यापक दृष्टिकोण देता है, व्यापक जो हमारे नज़रिए को भी बदलता है, हमारी भाषा को भी बदलता है और हमारी जो जीवन है उसको भी दायरे से बाहर निकालता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे वैदिक युग में पुनः कथन की बात कही गई है, किसी भी बात को दोबारा कहना, अपने तरीके से कहना, तो कुछ कुछ हम इसको पुनः कथन कह सकते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में जब बात की जाती है तो निश्चित रूप से जो है उसमें जड़ताओं को वो तोड़ती है, अनुवाद जड़ताओं को तोड़ता है और भावात्मक एकता भी स्थापित करता है और इसका महत्व जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में है। अनुवाद का महत्व चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो विज्ञान है, तकनीक है। तकनीक में हम देखते हैं कि हम जो है वो ट्रांसलेशन, हिंदी में इसको अनुवाद को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तकनीक में आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करिए, किसी भी गूगल सर्च इंजन में जाइए तो वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन का अलग से मिलेगा। वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी भाषाओं की जिसमें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं और बोलकर टाइप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें नई तकनीक में आ रही हैं जो अनुवाद के माध्यम से ही संभव है। और चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, कला है, संस्कृति है, अनुसंधान है, पत्रकारिता, जनसंचार, दूरस्थ शिक्षा, प्रतिरक्षा, विधि, व्यवसाय, हर क्षेत्र में ट्रांसलेशन का अपना महत्व है, अपनी उपयोगिता है। एक बहुत ही अनुवाद के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। कोई इसको असंभव बताता है, कोई प्रवंचना बताता है, कोई पाप बताता है, कोई मृत गौरैया बताता है, लेकिन यह निश्चित है कि अनुवाद जो है वो पर काया प्रवेश है, दूसरे की काया में प्रवेश करना, दूसरी की अपनी भाषा में लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में अनुवाद करना पर काया प्रवेश है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की यात्रा है। और एक तरह से अनुवाद के बारे में बहुत सारी विरोधी बातें और जो अवधारणाएं हैं वो प्रचलित हैं, लेकिन अनुवाद हमारे जीवन का बहुत बड़ा सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अनुवाद से हम बच नहीं सकते हैं। हमें किससे बचना है? हमें दूषित अनुवाद से बचना है, गलत अनुवाद से बचना है और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं कि दूषित अनुवाद के कारण ही हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया था। दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिका ने जापान को पोट्सडम कॉन्फ्रेंस के बाद संदेश भेजकर यह अल्टीमेटम दिया था। जापान का उत्तर था उसके लिए मोको सतसु, अर्थात उत्तर की प्रतीक्षा करें, लेकिन अमेरिका ने उसका अर्थ लगाया कि हम इस चेतावनी की अवज्ञा करते हैं और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया। इसलिए यह जरूरी है कि विभिन्न जो भाषा भाषी हैं वो इस वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना को समझें, परस्पर समीप लाने के लिए समुचित अनुवाद के चौराहे को सजाएं। यह एक चौराहा है, बहुत से रास्ते जाते हैं लेकिन चौराहे पर जैसे सारे रास्ते मिलते हैं वैसे ही अनुवाद एक ऐसा चौराहा है जिसमें सभी भाषाएँ, सभी संस्कृतियाँ जो हैं वो आकर वहाँ पर एक होती हैं। तो इस तरह से अनुवाद जो है वो अपने आप में अनुवाद का एक विशेष महत्व है। हम अगली कक्षा में ये देखेंगे कि श्रेष्ठ अनुवाद कौन सा होता है, अनुवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, आदर्श अनुवाद जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पाठ्यक्रम से संबंधित उपयुक्त सभी
बिंदु आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, यह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही यह भी लिख सकते हैं कि आपको और कौन से बिंदु इस प्रकार से समझने हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।